हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज के आपके करंट अफेयर्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, आप अपना पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए, हमारे साथ करंट अफेयर्स की नोट्स तैयार करिए। और आज का हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, आपको क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास। उसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अन अकेडमी के कुछ प्रमोशन स्लाइड्स हैं, तो चलिए देखते हैं। यह आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, अन अकेडमी के टॉप यूपीएससी के टॉपर्स हैं जिन्होंने अन अकेडमी के थ्रू जो है अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। जागृति अवस्थी है सेकेंड रैंक पर, जिन्होंने अन अकेडमी के थ्रू अपनी यूपीएससी की तैयारी की थी। अपना मिश्रा है 9th रैंक, 10th रैंक सत्यम गांधी है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, इसमें आप देख सकते हैं रैंकर्स इन टॉप 50 हैं। जागृति अवस्थी, आप देख सकते हैं टॉपर्स के नेम्स हैं। अन अकेडमी में जो ऑल इंडिया में जो टॉप 20 रैंकर्स होते हैं उसमें 7 रैंकर्स होते हैं अन अकेडमी के, और टॉप 50 में होते हैं 15 रैंकर्स अन अकेडमी के होते हैं। और 170 से ज़्यादा अन अकेडमी लर्नर जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। तो अगर आपको भी यूपीएससी का एग्ज़ाम जल्द से जल्द क्रैक करना हो तो आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। स्लाइड में देखिए, यहाँ पे अन अकेडमी चैंपियंस कंक्लेव हो रहा है, जहाँ पे आपको टॉपर्स, एजुकेटर्स और ब्यूरोक्रेट्स के जो है सेशंस होंगे। 20 नवंबर से 22 नवंबर तक होगा, जिसमें दुर्गा शक्ति नागपाल और जागृति अवस्थी, आप देख सकते हैं इन सब के जो है, सत्यम गांधी हैं 10th रैंक पर, इनके अलग अलग सेशंस होंगे आपके। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, जल्द से जल्द कर सकते हैं, जहाँ पर आप ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये आपको अन अकेडमी क्या ऑफ़र करता है, आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, आप इसमें इनका ऑफर्स देख सकते हैं। ये यूपीएससी के बैचेस शुरू हो रहे हैं 17 नवंबर से 2022 की प्रिपरेशन के लिए, 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हैं, कर लीजिए तैयारी करने के लिए। ये है लर्नर जर्नी 2022 की बैच के लिए, जो 1 ईयर का कोर्स है इनका, 7 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स का। आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग कोर्सेस हैं। ये 2022 की तैयारी के लिए आपके क्लास शुरू हो जाएगी, बैच शुरू हो जाएगा 17 नवंबर से। कोर्स फ्लो है, आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज के नेम्स हैं और टीचर्स के नेम हैं, इंग्लिश और बिलिंगुअल और हिंदी लैंग्वेज में आपकी क्लास होगी। ये है 2023 की बैच के लिए शुरू हो जाएगा, तो 2023 का बैच जो है 2 साल का जो कोर्स है, आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज के नेम्स हैं इसमें, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए है। ये 2023 के लिए भी जो बैच शुरू हो जाएगी 17 नवंबर से, बिलिंगुअल और हिंदी लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज के नेम हैं और टीचर्स के नेम हैं इसमें, जो आपको हर सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। फिर फ्री टेस्ट सीरीज़ हो रहा है अन अकेडमी में, जिसमें जो कि जैसे कि अभियान, डेली क्वीज, स्टैटिक क्वीज़ है, जो कि मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से होगा, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ होगा मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM शाम को 7:30 बजे होगा। और अन अकेडमी कम्बैट होगा, 50 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट्स का होता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, हर संडे को जो है सुबह 11 बजे। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी अब तक कितनी तैयारी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ आपको लाइव मेंटरी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको अलग आपकी पर्सनल कोचिंग होगी, डाउट सॉल्विंग होंगे, आपको इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज होंगे, आपको डेली आंसर राइटिंग बताया जाएगा, किस तरह से आपको कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम में किस तरह से आपको आंसर लिखना है। आपकी लाइव क्लासेस होंगे, वीकली टेस्ट होंगे और स्टडी मटेरियल सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप अन अकेडमी के थ्रू अपना यूपीएससी का ड्रीम जो चेज कर सकते हैं। आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये जो आप स्क्रीन पर लिंक देख रहे हैं, आप इसके ज़रिए जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। क्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारा पहला सवाल है, सूखे के अनुकूलन के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना यानी रीजनल प्लान फॉर ऑफ एक्शन फॉर एडॉप्शन ऑफ ड्रॉट किस संस्था से संबंधित है, और इसका जवाब है आसियान। एशिया और प्रशांत के लिए
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक स्कैप ने सूखे के अनुकूलन के लिए आसियान क्षेत्रीय कार्य योजना एशियन रीजनल प्लान फॉर एक्शन ऑफ फॉर एडॉप्शन टू ड्रॉट यानी ARPA-AD को लॉन्च किया। कार्यों को 26 उपकार्यों और 2021 से 2025 को कवर करने वाली एक कार्यान्वयन योजना में विभाजित किया गया है। प्रमुख सिफारिशों में सूखे के अनुकूलन पर एक तकनीकी कार्य समूह की स्थापना करना है। इस योजना में कार्य के 9 समूह शामिल हैं जिनमें सूखा प्रबंधन चक्र और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर समन्वय शामिल है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो हमने जो क्वेश्चन ऐसे टाइप में इस बार करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, आप इस तरह से आपको नोट्स तैयार करने में आसानी होगी, तो आप इस तरह से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा अगला सवाल, अंतिम ग्लासगो COP26 समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेल्सियस पर सीमित करना है? तो इसका जवाब है 1.5। ग्लासगो स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के उद्देश्य से वैश्विक समझौते के साथ संपन्न हुआ। यह पहला जलवायु समझौता है जिसमें स्पष्ट रूप से कोयले को कम करने की योजना है, जो ग्रीन हाउस गैसों के लिए सबसे खराब जीवाश्म ईंधन है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार करिए। हम देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है अगला सवाल, सवाल नंबर 3, विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे 2021 की थीम क्या है? इसका जवाब है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। अब हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बैटिंग के जन्मदिन को चिन्हित करके मनाया जाता है, जिन्होंने 1922 में चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट के साथ इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया भर में अनुमानित 463 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, जिनमें से 90% मामलों में टाइप 2 मधुमेह की समस्या है। देखते हैं अपना अगला सवाल, स्टूडेंट इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार करते रहें। यह है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 4, साओ पालो ब्राजील ग्रापी टूर्नामेंट किस रेसिंग ड्राइवर ने जीता है? और इसका जवाब है लुइस हैमिल्टन। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मैक्स वेस्टापेन को हराकर ब्राजीलियाई साओ पालो ग्रां प्री टूर्नामेंट में शानदार जीत हासिल की। हालांकि हैमिल्टन ने पेनल्टी के कारण ग्रिड पर 10वें स्थान से शुरुआत की, लेकिन वह रेस में पहले स्थान पर है। वाल्टेरी बोटास इस टूर्नामेंट में 3रे स्थान पर है। हम देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 5, ऐतिहासिक प्रस्ताव यानी हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन जो हाल ही में चर्चा में है किस देश से संबंधित है? और इसका जवाब है चीन। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐतिहासिक प्रस्ताव यानी हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन नामक एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अपनाया है, जो सत्तारूढ़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगले साल कार्यालय में एक अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल को सुरक्षित करने और जीवन भर चीन पर शासन करने में सक्षम करेगा। इस प्रस्ताव को अपनाने से उन्हें प्रतिष्ठित अतीत के नेताओं माओ जेडोंग और देंग सियाओपिंग के बराबर रखा गया है और ऐतिहासिक प्रस्ताव वाले चीन के तीसरे नेता बन गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस तरह से अपने नोट्स तैयार करिए। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप इस तरह से हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में रखें, हम उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इसी तरह से अपने UPSC की तैयारी करते रहें, करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करते रहें, और आपको ऑल द बेस्ट UPSC के लिए। धन्यवाद।